उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे 7 से लेके 17 के बीच 10 वर्षों में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, हम लोगों ने 6 वर्ष में उससे डबल गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार अब तक 2,02,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुकी है। अगर धान और गेहूं के क्रय में ही देखें, 17 के पहले कोई प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी नहीं थी, दलाल और एजेंट के माध्यम से ये सब खरीदे जाते थे, हमारी सरकार ने मीडिएटर की व्यवस्था समाप्त की। अगर धान क्रय का आप देखेंगे तो इससे पहले 12 से 17 के बीच में मात्र 123 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय बिचौलियों के माध्यम से हुआ था, जिसमें से मात्र 17,190 करोड़ रुपए किसान के पास गए, किसान को दिए गए थे, यानी बिचौलियों को उपलब्ध कराए गए थे, उनके पास उनके माध्यम से किसान के पास गए होंगे, यानी सही दाम किसान को नहीं मिले। लेकिन 17 से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो 344 यानी 345 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हुआ, और जिसमें लगभग 64,000 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे सीधे अन्नदाता किसानों के खाते में गया, डीबीटी के माध्यम से धनराशि को उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ।